जिंदगी खूबसूरत बनानी है तो खुद से खुद को खुश रखना सीखो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी। असी सारे ही अपनी फैमिली नू बहुत प्यार करते हैं। हर किसी नू जिसनू भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर तो यही होएगा कि जी हाँ, सानू अपनी फैमिली सब तो ज़्यादा प्यारी है। पर तुहानू की लगता है कि सानू अपने आप नू प्यार नहीं करना चाहिए? अपने आप में एक क्वेश्चन पूछ के देखो। मैं जरूर जानना चाहूँगी कि किन्ने लोग कहेंगे कि आई लव माई सेल्फ टू। अपने आप में प्यार करना कोई बुरी गल नहीं है। तुसी खुद नू प्यार करोगे तो फैमिली नू भी प्यार कर सकोगे। अपने लिए कुछ खास करो, कुछ पल अपने लिए कढ़ो जिहड़े तुसी अपने आप नाल बिता सको। अपनी सैटिस्फैक्शन लिए थोड़ा जहा टाइम देना बहुत जरूरी है। बस यही एक उपराला करके मैं भी आज ये डिसाइड किया कि क्यों ना कैमरे में फेस किया जाए। तो चलो सब तो पहला एक रेसपी देखते हैं। आज मैं थोड़े सारे रेसपी शेयर कर लगी हूँ कढ़ी की। वैसे तो कढ़ी की रेसपी सारे आती है, सारे बनाना चाहते हैं, पर हर घर का एक डिफरेंट तरीका होता है। चलो फिर आज मैं थोड़े ना रेसपी शेयर करती हूँ। मेरे को इतने लस्सी, यह है लगभग 1.5 लीटर के करीब लस्सी है, मैं तुम दिखा दिनी हूँ। यह देखो, और असी ये सब तो पहला बेसन मिक्स करना है और किन्नी केड़ी चीज़ किन्नी पानी है ये सारा कुछ जोड़ा है। एक इनग्रीडियंट्स जोड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट पा दूंगी, तो तुम उतो चैक कर सकते हो। और बस बहुत चंगे तरीके असी मिक्स करना है। बेसन के कोई भी लंप्स ये होने नहीं चाहिए, तो बहुत चंगे तरीके मिक्स करना है। तो चलो फिर हूँ कढ़ी में तड़का लाने की तैयारी करिए। मैं लिया है इतने मस्टर्ड ऑयल 1 वड्डा चम्मच, गर्म हो जाएगा उस तो बाद ये असी पा देंगे साबुत लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, मेथी दाना 1 टीस्पून और थोड़े जे कड़ी पत्ते। इन्हों का फ्लेवर कढ़ी के बहुत ही अच्छा आता है। और बस हल्का जहाँ फ्राई होन देंगे और लास्ट विच मैं पाया सी इहदे विच मस्टर्ड सीड। और बस नाल ही पा देंगे असी अदरक का पेस्ट 1 वड्डा चम्मच। अगर थोड़े को फ्रैश अदरक है तो तुसी वह भी पा सकते हैं, नहीं तो अदरक का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके तुसी बहुत चंगे तरीके ने इनू पकाना है। अदरक नीचे चिपक जाता है तले, तो इस करके गैस का फ्लेम लो रखियो। तो उस तो बाद बस थोड़ा थोड़ा पानी पा के तुसी अच्छे तरीके नाल जिहड़ा अदरक है इनू भुनना है। लगभग 2 तो 3 चम्मच मैं ते पानी दे बाद 1 तो 2 बार पाए सी, तो बस तुसी इसे तरह ही पानी पा के अदरक नूं बहुत वधिया तरीके नाल भुन लेना है। तो चलो हुण कुछ सुके मसाले पाउने आ। 1/2 छोटा चम्मच मैं पाया है हल्दी, 1 टीस्पून पाया है कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच और धनिया पाउडर तुहानू थोड़ा जिहा ज़्यादा पाउणा पएगा। लगभग तुसी 1.5 चम्मच अदा जिहड़ा है धनिया का पाउडर वह यूज़ करना है। बहुत अच्छा फ्लेवर आउंदा है कोरिएंडर पाउडर का। तो चलो अच्छे तरह नाल मिक्स करते हैं और दोबारा तो थोड़ा जिहा पानी पा के अच्छे तरह नाल उदों तक रोस्ट करना है जदों तक कि ऑयल जिहड़ा है वह बिल्कुल उपर ना आ जाए। तुसी 2 तो 3 बार पानी पाउंदे जाना, बस थोड़ी देर विच ही ऑयल जिहड़ा है वह बिल्कुल उपर फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। चुके ने यह देखो बिल्कुल ऑयल सैपरेट हो गया है। तो बस हुण असी इसे पॉइंट के उपर जिहड़ा लस्सी और बेसन का घोल बना के रखिया से वह ये पा देंगे। तो उदों तक तुसी इनू लगातार हिलाना है जब तक ये एक बॉयल ना आ जाए, नहीं तो लस्सी फट सकती है। दही होएगा दही भी फट सकता है, तो लगातार तुसी चलाते जाना है, बस एक बॉयल का वेट करना है। और बस फिर तुसी इनू स्लो फ्लेम पर इसे तरह ही छड़ देना। यह देखो कढ़ी तो बहुत वधिया तरीके बॉयल आ चुका है। यह देखो, तो बस हुण असीं गैस का फ्लेम कर देंगे बिल्कुल घट। तो चलो पकौड़े की तैयारी करते हैं। मैं इतने ले 2 प्याज, छोटे प्याज से उन्होंने वे वे कट लिया और ये असी पाएंगे बेसन। बेसन तुम 3 से 4 टेबल स्पून, मतलब 3 से 4 वे चम्मच
तो बाद चीज़ें ऐड चैट करांगे। एक टीस्पून के करीब नमक, दो चुटकी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, आमचूर, बिल्कुल थोड़ी जी अजवाइन, और ये असं ये पावे एक छोटा चम्मच लसन, कुटिया हुआ लसन, थोड़े को लसन की पेस्ट है तो वो यूज कर सकते हो, कट के बिल्कुल ना पायो, बस बिल्कुल थोड़ा जहा पानी पा के असी मिक्स कर। फिर एक चीज़ होर ऐड करनी मैं तुम्हें बाद में दसती हूँ, थोड़ा जहा पानी पा के इन करेंगे असं बहुत चंगे तरीके मिक्स, जिदा असं घर पकौड़े बनाने बिल्कुल वैसे ही पकौड़े बनने, कुछ खास नहीं ये स्पैशल हैगा भी स्पैशल पकौड़े कोई बना लगे असं है तो वही पकौड़े आ। बस एक चीज़ है शायद तुम पाते होंगे शायद नहीं, मैं तुम्हें बाद में दसती हूँ, तो चंगी तरह पहले मिक्स कर लीए। जिहड़े ये वाले पकौड़े है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल एक अलग जहा फ्लेवर तुम्हें मिलेगा ये, हल्का जहा बेसन होर पावे, मैं थोड़ा जहा बेसन घट लग रहा तो एक वड्डा चम्मच होर पा ही दें। एक तो असं ये पानी है कसूरी मेथी, एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी पा दो, ये पाना है बेकिंग सोडा, खाने वाला मिठा सोडा जोड़ा होंगे वो लगभग 1/4 टीस्पून, बस बहुत है, इन बस लास्ट में पा के तो मिक्स कर देना, तो बस ना ही असं ये पकौड़े बना लें। तुम देखिए बहुत वधिया तरीके गर्म हो चुका है, तो चलो फिर असं हूँ ये पकौड़े पाने। पकौड़े बहुत ही वधिया तरीके फ्राई हो गए हैं, यह देखो असी बिल्कुल ही उन्होंने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है, बहुत क्रिस्पी पकौड़े बने हैं, तो बस हूँ सीधा ही असी इन्हों कढ़ी दे विच पा देना है, सारे पकौड़े कट के डायरैक्ट उसी कढ़ाई दे विच शिफ्ट कर देने हैं। तो बस एक वधिया जिहा देंगे इन मिक्स, तो बस कढ़ी साड़ी ऑलमोस्ट बन के रेडी है। ये ही दूसरे पास थोड़े जे मैं प्याज लाए से, एक वड्डा प्याज से बहुत वड्डे पीसिस कट कर लिया है, तुम देखा होना पहला असी प्याज यूज़ नहीं किए, प्याज असी हूँ इस पॉइंट जिस तेल में असी पकौड़े फ्राई किए से उस तेल दे प्याज नूं फ्राई करके कढ़ी दे विच पाउणा है, इस तरह तड़के वाली कढ़ी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। तो बस थोड़े जे ब्राउन करने तुहाडी मर्जी है, तुम ज़्यादा भी कर सकते हो घट ब्राउन भी कर सकते हो, हरिया मिर्चा भी इस तरह कट लगा के तेल च फ्राई करना तो उन्होंने भी इस तरह ही असी कढ़ाई पा देंगे। तो बस साड़ी कढ़ी बन के तैयार है, बहुत डिलीशियस है, एक बार जरूर ट्राई करना, तुहानू बहुत पसंद आने वाली है, बिल्कुल ही अलग दा फ्लेवर होएगा। कुकिंग मैं अपनी कंप्लीट करने तो बाद दोबारा किचन च आ गई सी, किचन नू क्लीन करन लई, किचन क्लीन नाल दी नाल कर ली जाए तो ज़्यादा मैस जिहड़ा क्रिएट नहीं हुंदा, और इस तरह तुहानू काम करना भी ईजी लगता है तो अच्छा भी लगता है। तो बस किचन क्लीन करन तो बाद मैं बच्चों की वेट कर रही थी कि बच्चे आ जाने, स्कूल तो आने वाले होंगे ने, तो उन्होंने आने तक मैं अपना सारा काम खत्म कर लैनी हाँ, फिर असी इकट्ठे बैठ के खूब सारी गपशप करते हैं, दिन दिया सारिया एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं, वो मैनू दस दिया कि स्कूल में की होया, तो मैनू भी पूछ रहा कि तुसी की किया सारा दिन, इतने बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा सानू ना कोल्ड कॉफ़ी चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो स्कूल तो बेचारे थक के आते हैं, तो फटाफट मैं बना ली कोल्ड कॉफ़ी, अपने लिए बनाई मैं चाह क्योंकि मैनू चाह पीना बहुत पसंद है, ज़्यादा तो मैं चाह नहीं पीती बट दिन के विच दो तो तीन कप तो आई थिंक मैं पी लैनी हाँ, और मैनू पसंद भी है, बच्चों ने अपनी कॉफ़ी इंजॉय की थी, मैं इंजॉय की अपनी चाह, तो बस इस तरह ही बच्चों ना हंसते खेलते शाम पै गई। तुसी मैनू जरूर दस्यो कि तुसी अपने बच्चों का टाइम किस तरह स्पेंड करते हो, मेरा टाइम तो ज़्यादातर बच्चों नाल गल्लां बातां करके, उस तो बाद थोड़ा जिहा उन्हां दा स्कूल का वर्क चैक करके, शाम लई थोड़ा जिहा उन्हां दा प्ले टाइम हुंदा है क्योंकि उन्हां दी एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है, कोविड दे विच बच्चे बहुत अनहैल्दी खांदे रहे, घर दे अंदर रहे, बाहर निकलण दा मौका नहीं मिलिया, पर हुण थोड़ा जिहा अच्छा माहौल हो गया है। बस इत्थे मैं बच्चों नूं कॉफ़ी देण लई जा रही सी और बस जद तक शाम हो गई, और ये है साडी छत दा व्यू, मैं उपर गई सी पौद्यां नूं पाणी देण लई, असी अपने घर बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं,
टैरिस तक, तो उन्होंने इन्नी गर्मी है तो तुहानू रोज़ ही उन्होंने पानी देना ही पैंदा है। तो बस अज दे दिन ले इन्ना ही।